फूल तो बहुत हैं, हमें तो गुलाब पसंद है, यात्रा तो बहुत है, हमें तो 500 यात्रा पसंद है। वाह ओम प्रकाश जी। और सिकतिया हवेली के बाद में हम पहुंच चुके हैं डीडवानिया हवेली, जिसको बोलते हैं टिबड़ेवाल हवेली भी, क्योंकि इसको पहले टिबड़े वालों ने बनाया था। क्यों राजे जी? हाँ जी, उसके बाद काफी सालों से डीडवानिया हवेली के वंशज हमारे साथ है, पंकज जी, इनके मतलब वंशजों में है ये, और ये इसकी सार संभाल रख रखाव देख रेख सारा फिलहाल यही कर रहे हैं, है भी हमारे तो भी आप कर रहे हो। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले का जो पोर्शन है इस हवेली की, जो सबसे अच्छी बात है, पुरानी जो हवेली हमने देखी थी उसमें नीचे वुड का काम था, इसमें देखिए वुड का काम नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये ईस्ट फेसिंग हवेली है, जैसे ही मॉर्निंग होती है सुबह सुबह सनलाइट सीधी यहाँ आती है, तो ये पूरा ओपन एरिया था। उस जमाने में सर्दियों में यहाँ बैठ के लोग अपने आप को तपाते थे, क्योंकि सर्दी भी यहाँ खूब पड़ती है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये एलिफेंट ट्रंक, देखिए डेकोरेटिव कैसे बनाते थे चीजों को। ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है, इसको आप देखिए कैसे इन्होंने डेकोरेटिव एलिफेंट ट्रंक को लेके और कैसे डेकोरेटिव बना दिया, और इसके पीछे एक एलिफेंट बना दिया। कुएं से पानी निकालने का पनियारी का प्रोसेसिंग सीन शायद इससे बढ़िया कहीं से खवाटी में, और पूरी से खवाटी में सबसे सुंदर यही है ना पंकज जी। तो पनियारी का ये सीन आप देखें, नीचे आपको हाथी भी दिखेगा, साथ में बेल भी दिखेगा, पनियारियां पानी लेके जा रही है, ये पूरा का पूरा पनियारियों का सीन सबसे सुंदर यहाँ पे है। दूसरी बात, छोटी छोटी दीवारियां जैसी ही ऊपर आपको विंडो नजर आएगी, तो जहां तक मेरा आइडिया ये स्टेप सीन के ऊपर चढ़ने के लिए बनाए हुए हैं, ये भी पहली बार हम देख रहे हैं ऐसे स्टेप्स। आप देखिए एकदम फ्रेश को कलर से मिर्ची खाते हुए स्टेप यहाँ ही बनाए, शायद मुझे नहीं पता ये वो सुन टाइप है या क्या है, लेकिन उस जमाने में इसको भी परिंदा, सॉरी ये बता रहे हैं कि परिंदा था, ये छोटा सा जो एरिया है इसके लिए परिंदा बनाया गया था, और अंदर की छोटी छोटी विंडो बाहर का सीन देखने के लिए बनाई हुई, और ये हो कि वो आज, और नीचे हम देखना चाहेंगे यहाँ से बाहर का सारा दृश्य वो देख सकते हैं। तो काफी सुंदर ये हवेली है, इसके सेकेंड पोर्शन को हम मूव करेंगे। तो अब हम आ गए हैं जो एरिया है पौड़ी, बेसिकली सेम डोर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नए तोरण लगे हुए हैं, बीच में गणेश जी हैं, तो इस हवेली की एक सबसे सुंदर फ्रेस्को है जो एरोटिक पेंटिंग्स का एग्जांपल है, आपने शायद कैमरा एकदम सही जगह कर लिया है, ये रिवॉल्विंग ऑफ द ब्लाउज इस पेंटिंग को बोलते हैं, महिला ने अपना ऐसा रूप कर रखा है जो कि इस हवेली में लगभग हमें देखने को मिलता है। उसके नीचे की सीन में आपको एक बारात जैसी प्रोसेसिंग दिखाई दे रही है, जो केवल तीन हिस्सों में आप देखेंगे, सामने का हिस्सा यहाँ से बंद है, नीचे हर जगह आपको छोटी छोटी मिलेगी जहां पे सामान रखने के लिए काम में लिया जाता था। सिमिलर वो का वो फैशन की लेडीज कोर्ट यार्ड टू जेंट्स कोर्ट यार्ड की एंट्री बंद थी। ये सर लिविंग हवेली है ना? हाँ जी, फिलहाल ये फैमिली यहाँ पे लिव रही है। आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, तो ये वही हिस्सा है जिसको जिसको हम पहले लेडीज कोर्ट यार्ड की एंट्री थी वो हम दिखाया करते थे। देखिए बेसिकली जिन हवेलियों में चौक था, तो चौक आज भी है, ये मोस्टली यहाँ पे कोटा स्टोन टाइप से स्टोन को अटैच कर दिया है। बीच का एरिया जो कि मिट्टी के था वो मिट्टी का नहीं है, किचन एरिया ब्लैक ही है, दोनों साइड बेडरूम विदाउट पेंटेड, आप ध्यान से देखेंगे दोनों एरियाज में पेंट जो बेडरूम था वो विदाउट पेंटेड है। यहाँ दो फ्रेम्स में पेंटिंग है, एक अंडर द शेड, इस वाली पेंटिंग के कुछ पेंटिंग्स आपके खराब है, बट एक पूरी की पूरी बारात आप देखेंगे वहां से जो चल रही है और पूरे की पूरे चारों ओर से ये मूव कर रही है। तो बेसिकली जैसे हम फ्रंट कोर्टयार्ड की ओर चलते हैं, तो
तो सामने का इस साइड ये मंदिर होता है, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ भी मंदिर है श्योर एंड सर्टेन। उसके ऊपर कृष्ण और राधा जी का रास बना हुआ है, जो कि यहाँ पे इतना सुंदर नहीं है। आपको मैंने लास्ट में एक बार रास दिखाया था साइड रामगढ़ में, तो वो रास का सिर था और नीचे का ये एरिया ये मंदिर बना हुआ रहता है। अब हम ऊपर की ओर मूव करेंगे हवेली के ऊपर कुछ रूम की ओर, कोशिश करेंगे वो रूम को देखने के। अभी परिंदा है जो आज का और कल के परिंदे में फर्क आप दिखा सकते हो, बेसिकली ये परिंदा होता था पुराने जमाने में, इसके क्लोज टू आपको किचन देखने को मिलेगा और इसके क्लोज टू सीढ़ियां हैं ऊपर जाएंगी। मैं इस साइड से जा रहा हूँ ऊपर और राजेश जी उस साइड से आ रहे हैं। बेसिकली एक रूम है और रूम के अंदर रूम ये आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा नीचे की ओर देख के आप चलें और इसके अंदर भी फिर पेंटिंग्स है। ये देखो एक फॉरेनर, एकदम वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर फॉरेनर्स हैं और ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर मुगल्स लोग थे, वो मिनिएचर बनाते थे। मिनिएचर मतलब था कि वो कपड़ा भी बना देते थे और पीछे का ऐसा दिखता भी था। तो ये एग्जैक्टली उसी मिनिएचर पेंटिंग का एक रूप है। मिनिएचर तो क्या है, बेसिकली कपड़े भी बनती थी, ठीक है, या पेपर भी बनती थी, लेकिन ये उसी का रूप है। एक यहाँ पे ये देखिए मुस्लिम राजा के जैसा दिखाया हुआ है, लेकिन इसकी टोपी है ना, उसको भी आप दिखाना चाहेंगे, बहुत ही विचित्र है। और ये महिला है, इसका रूप भी आपको एक अजीब ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम फिर एक बार बात करेंगे, ये रूम है, अंदर रूम है क्या? हाँ, रूम के अंदर रूम हमें दिखाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ फ्रेस्को बनी हुई है, ये देखिए लंबी मूछ, बहुत ही लंबी मूछ है, लुक्स लाइक मराठा टाइप मूछ है। मराठा लोग काफी हद तक इस टाइप की मूछे रखते थे। दोनों साइड अच्छी मुद्रा में महिलाएं बैठी हुई है, बालों की लट संवारती हुई आप देखेंगे। और उससे भी सुंदर मैं एक चीज आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, चक्की पुराने जमाने वाली, कोई नहीं पीस पाएगा, रियल घर में रखी हुई। और आजकल ये जो इंग्लैंड के बने हुए, ये इंग्लैंड का बना हुआ था, चीनी मिट्टी का है शायद, इस पे लिखा हुआ भी होगा कंपनी का नाम ऊपर की ओर, अगर आप दिखाना चाहें। इसका टूट गया था, काफी तक पुराने थे, आपको मिलते ही नहीं है ये, और बहुत पुराना है। इसके अंदर मिर्ची पड़ी है, तो अंदर की ओर आपको रूम दिखाएंगे। तो रूम के अंदर रूम वाला पोर्शन भी आपको दिखाते हैं, स्टोर रूम बना रखा है, साइड लाइट ऑन करवाते हैं एक बार, इनका स्टोर रूम है साइड। हाँ जी, बाकी ये बेसिकली हुआ करता था रूम, और अभी इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। इसमें स्टोर की सी खुशबू आ रही है अलग ही। और अंदर इसके आपकी राइट साइड में जो मिलेगी लटान, काठ की बनी हुई, वुड की बनी हुई लटान है, किसी में पत्थर की होती है बेसिकली, यहाँ वुड की। और सामने में कहूंगा आप इनको दो टोकने और दिखाने की कोशिश करें, एकदम कॉर्नर में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर प्रेस पूरी की पूरी, जो पहले उससे चलती थी कोयले, कोयले से काफी भारी प्रेस होती है, और उसके पास ये दो टोकने पीतल के हैं। इन दोनों चीजों को भी आप दिखाएं, बिल्कुल। तो और भी आपके पास कोई पुराना सामान है क्या भैया? और कोई नहीं, एक चीज और दिखाते भाई। तो पंकज जी का हमारे साथ साथ है काफी। रूम के अंदर रूम का एक और हिस्सा जिसके दो दरवाजे, एक अंदर से और दूसरा बाहर से, तो दो दरवाजों वाला रूम, इसमें भी लटान बनी हुई है। वही केवल चार पेंटिंग्स, मैं पहली बार से क्वालिटी में आपको ऐसी चीजें दिखा रहा हूं जिसमें केवल चार पेंटिंग्स, चारों और चार पेंटिंग्स। एक बहुत ही सुंदर अंग्रेज हुक्का पीता हुआ आपको नजर आएगा सामने की ओर, और ये तिबारी टाइप की खिड़कियां, मतलब इनको छोटी सी हटड़ी बोलते थे बेसिकली, जहां तक मुझे याद है हटड़ी उस जमाने की हमारी आज की गोदरेज अलमीरा कहा करती थी। ये सामने की लालटेन साइड मेड इन इंग्लैंड होगी या जर्मन होगी, शोर नहीं हुआ है, इंडियन मेड भी हो सकती है। इसको क्या बोलते थे राजेश जी, जो बीच में लगा हुआ है? मेंटल, मेंटल, मेंटल बोलते थे, मेंटल भी बोलते थे। ये देखिए उस जमाने के बने हुए स्टूल्स, मुड्डे, जिनको मुड्डे बोलते थे, कागज से बने हुए
सामान जिनको शायद एक नाम लेते थे, पुराने कागज भी रखे हुए हैं, भैया टाइप भी रखी हुई है, वो है फोटो फ्रेम, फोटो फोटो फ्रेम है। हाँ जी, बीच में कागज शायद पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको राय है, मुस्लिम है कुछ पढ़ रहा है, टोपी भी पूरी मुस्लिम की जैसी, शायद कोई धार्मिक ग्रंथ है कुछ पढ़ रहा है, बट अनऑर्डिनरी है। और ये देखिए दीपक रखने के लिए मोस्टली यूज में लिए जाते थे, बहुत ही छोटे छोटे सुंदर इस टाइप के बहुत कम देखने को मिलेंगे। और नीचे की ओर भी हमें खिड़की नुमा ये मिलते हैं सामान रखने के, क्योंकि बेसिकली पुराने जमाने में लोग नीचे भी सोते थे। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स तो नहीं है ना कोई छोटी सी हटड़ी है, बट दो जगह इन्होंने बना दी अपने आप ही, तो आपको दोनों जगह नजर आएगी। यहाँ पे दो जगह तो ओरिजिनल में है और दो जगह इन्होंने केवल पेंटिंग की है, बैक साइड को ओपन रखा। ये आर्क भी वैसा ही है एकदम जैसा अपन ने बहुत सी अवेलेबल देखा, बट ये बहुत ही सुंदर पेंटेड है, छोटा है, बट मैंने क्या बताया देखो सबसे बड़ा जो एंटर वाला में दिखाया था, हाँ, तो उसके बाद ये सब छोटे हैं। तो एक बार इसका बाहरी रूप देख लेते हैं, वास्तुकला के दृश्य से हम देखिए तो ये काफी सुंदर हवेली है, केवल ढाई हाफ पेक है, मतलब बीच से पेक एकदम फ्रंट से और साइडों से आधी आधी पेक, और बाकी का सारा एरिया ओपन, पुराने जमाने के यूरिनल्स बने हुए उस कॉर्नर में आप देखेंगे एकदम। तो इसके बाद हम नीचे की ओर कोई तय खाना बता रहे हैं भाई साहब, उसकी ओर चलेंगे, तो मूव करते हैं नीचे की ओर। दाब लो, पूछ ले चलो भाई। तो हवेलियों में बेसिकली ग्राउंड रूम्स या तय खाने भी होते थे सामान स्टोर करने के लिए। तो ये देखिए पूरा का पूरा तय खाना है हवेली के नीचे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आजकल लोग ग्राउंड रूम बनाते हैं, इसमें लाइट है नहीं क्योंकि बेसिकली लाइट होती नहीं थी, तो ये ग्राउंड रूम है, चारों ओर आपको ग्राउंड रूम नजर आएंगे। अच्छा, चमगादड़ तो नहीं है, इन्होंने सफाई कर रखी है, चमगादड़ भी नहीं है ना ही सफाईया है, क्योंकि इस टाइम वास्प भी काफी रहते हैं ठंडी जगहों पे। नहीं सर, 12 महीने में दो बार सफाई होती है पूरी हवेली, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। इस हवेली के नीचे एक और है लेकिन वहां अभी कुछ स्टोर लगा हुआ है, अदरवाइज